वेलकम बैक टू टीटी एसएसटी क्लास क्लास 7. टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री चैप्टर 2. द नेम ऑफ द चैप्टर इज किंग्स एंड किंगडम्स. सो बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर किंग्स एंड व्हाट आर किंगडम. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किंग्स क्या होते हैं और व्हाट इज किंगडम्स, किंगडम क्या होती है. तो किंग्स मीन्स द रूलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और किंगडम आर कॉल्ड किंग्स. जो रूलर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के या किंगडम के उनको किंग्स कहा जाता है. और जो किंगडम्स होती हैं वो क्या होती है, व्हाट आर किंगडम्स. किंगडम्स आर अ एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी टेरिटरीज. कई क्षेत्रों को मिला करके एक राज्य बनाया जाता है जिस पर किंग या क्वीन रूल करता है, वो किंगडम कहलाता है. द एरिया रूल्ड बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड किंगडम. बट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर और किंगडम. हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एम्पायर होता है, साम्राज्य होता है, और किंगडम राज्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो किंगडम एक छोटा टर्म है, छोटी टेरिटरी के लिए यूज होता है, जबकि जो एम्पायर है वो कई किंगडम्स को मिला के बनता है. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम्स एंड आपका जो एम्पायर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो किंगडम्स हैं वो कई टेरिटरीज को या कई क्षेत्रों को मिला के बनते हैं, जबकि जो साम्राज्य होता है, एम्पायर होता है, वो कई किंगडम्स को मिला के बनता है. आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द किंग्स एंड किंगडम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम्स. सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स. किस प्रकार से नए राज्यों का उदय हुआ. फिर वी विल डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग व्हाई किंगडम्स इन्वॉल्व ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. किस प्रकार से जो किंगडम्स के इमर्जेंस के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तीन आपके थ्री डायनेस्टीज के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किन किन डायनेस्टीज के बीच हुआ था. एक तो आपका इसमें फर्स्ट डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार, जो मालवा के गुर्जर प्रतिहार थे वो, और आपका डेकन के जो राष्ट्रकूट थे, डेकन मीन जो दक्कन साइड के राष्ट्रकूट थे वो थे. और जो थर्ड डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, पालास, जो कहाँ से थे, बंगाल. तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट इट ट्रिपल टाइट स्ट्रगल. देयर आर थ्री और द वार वाज फाउंड बिटवीन द थ्री डायनेस्टी. तीन डायनेस्टी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है. अभी थ्री डायनेस्टी कौन सी थ्री डायनेस्टीज थी वो भी आपको पता होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. सबसे पहली तो थी आपकी गुर्जर प्रतिहार जो मालवा के थे, और सेकंड आपकी थी राष्ट्रकूट जो दक्कन के थे महाराज साइड के, और जो आपकी थर्ड थी वो पालास, पाल जो डायनेस्टी थी जो बंगाल के थे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स इन डिटेल थ्रू द टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, your second chapter of history is Kings and Kingdoms. Now we are starting from the introduction about the kings and kingdoms. Around the time when Harshvardhan and Pulkesin II were locked in a war for supremacy in India, a revolutionary change was taking place not too far away from the Indian shores. It was the emergence of Islam in Arabia. जब हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय जो थे वो अपनी अपनी सुपरमेसी, अपनी अपनी उच्चता सिद्ध करने में लगे हुए थे भारत में, तो उस समय कई सारे क्रांतिकारी चेंज हुए थे भारत में, और इसी के साथ ही जो अरब है वहाँ पर इस्लाम का इमर्जेंस हुआ था, इस्लाम का उदय हुआ था अरब में. देन इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, किस प्रकार से नए राज्यों का उदय हुआ. तो ड्यूरिंग द अर्लीस्ट फेज ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री, रफली स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th
सेंचुरी वासल्स और चीफ्टन्स रिप्रेजेंटिंग न्यूमरस क्लेन आइडेंटिटीज रोज इन प्रोमिनेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट्स. नाउ भारतीय उपमहाद्वीप के कई डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में जो है लगभग 7th century में मिडल हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपको. उस समय जो वासल्स थे, जो चीफ्टन्स थे, प्रमुख जो लोग थे, हेड जो थे, वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंट पार्ट्स में फेमस करने में लगे हुए थे, अपनी अपनी उच्चता को सिद्ध करने में लगे हुए थे. सून दे एक्वायर्ड पावर एंड वेल्थ एंड असेट, और जल्दी ही उनको शक्ति और धन मिल जाता है जिसके कारण से वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट किंगडम्स. फॉर इंस्टांस दंती दुर्ग डिफीटेड द चालुक्यास एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टीज. द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो दंती दुर्ग को. और दंती दुर्ग किसको हरा करके इसने अपनी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, चालुक्यों को. जो चालुक्य डायनेस्टी थी उनको हरा करके इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी. सम चीफ्टन्स सच एज गुर्जर प्रतिहारास गेव अप देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन राजस्थान. अब जो कुछ प्रमुख थे गुर्जर प्रतिहार, जिनमें से एक है, गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी पारंपरिक व्यवसाय के साथ अपना राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित किया था. नेक्स्ट, अ क्लीन वॉरियर्स रेफर्ड टू एज द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 century टू 1200 century. दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम द सोलर फैमिली और ल्यूनर फैमिली. यस, नाउ अ क्लेन ऑफ वॉरियर्स, युद्धों का जो आपके वॉरियर्स थे, योद्धा थे, उनके क्लेन ने, उनकी डायनेस्टी ने, उनके वंश ने, उनके वंश को राजपूत माना जाता है. मतलब जो राजपूत होते थे वो एक प्रकार से वॉरियर्स थे. भारतीय इतिहास में ऐसा ही उनको बताया गया है कि लगभग 750 से लेकर के 1200 शताब्दी तक राजपूतों का शासन रहा है. तो आपका अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूत डोमिनेट्स द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया इन 750 century टू 1200 century, तो 750 सेंचुरी से लेकर के 1200 century तक राजपूतों ने शासन किया था. दे क्लेम, और ये लोग अपने आप को सोलर फैमिली से उत्पन्न मानते हैं या ल्यूनर फैमिली से. अब आप 6th class में पढ़ चुके होंगे कि सोलर फैमिली क्या होती है, ल्यूनर फैमिली क्या होती है. सोलर फैमिली मीन्स, आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, सोलर फैमिली मीन्स सूर्यवंशी और लूनर फैमिली मीन्स चंद्रवंशी. मैनी हिस्टोरियंस ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू ट्राइब्स. कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये ट्राइब्स हैं, जैसे कि आपकी हूड, कुषाण और शक, इनसे उत्पन्न मानते हैं राजपूतों को. दे एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, और ये ऐसा मानते हैं कि जो आपकी किंगडम्स थी वो नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में, गार्डेड द लैंड फ्रॉम अरब एंड तुर्क इन्वेडर्स. जो अरब और तुर्की आक्रमण होते थे नॉर्थ इंडिया में, उनसे सुरक्षा करते थे ये हूण, कुषाण और साकाज. ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. और उत्तर भारत में हर्षवर्धन के शासन के समय जो कन्नौज था वो एक केंद्र बन चुका था राजनीतिक विकास का. कन्नौज का उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. जो कन्नौज है, इट इज़ अ फेमस सिटी और डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजिशन कन्नौज फोस्टर्ड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हाई फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल एनकरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ. और इस प्रकार से अपनी पॉलिसी के आधार पर कन्नौज की जो स्थिति थी उसमें व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स, वाणिज्य एंड हाई फर्टिलिटी, क्योंकि वहाँ नदियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, रिवर्स ज़्यादा हैं,
तो वहाँ पर जो वहाँ की जो जमीन थी वो ज़्यादा फर्टाइल थी, ज़्यादा उपजाई थी। द सॉइल ऑफ दैट लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, सो एनकरेज्ड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो इस प्रकार से वहाँ जो कृषि का विकास है वो अच्छे से हो रहा था। भाई उसको सेंट्रल पोजिशन क्यों मिली हुई थी कन्नौज को? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी वो अच्छी होती थी, वहाँ की सॉइल फर्टाइल थी और ट्रेड और कॉमर्स में अच्छा प्रॉफिट होता था, इसलिए उसको वहाँ पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसका सेंटर हो गया था कन्नौज। ड्यू टू दिस ऑल न्यू किंगडम्स दैट स्प्रेंग अप आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षवर्धना's एम्पायर वर इक्वली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर कन्नौज। और इसी कारण से जो नए नए साम्राज्य थे उनका प्रसार हो रहा था और वो हर्षवर्धन के साम्राज्य पर अपना कंट्रोल प्राप्त करना चाहते थे, अपना कब्जा करना चाहते थे कन्नौज पर। तो कई संघर्ष भी हुए हैं, तो ये जो संघर्ष हुए, ये जो स्ट्रगल्स हुए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड रीड प्रॉपरली द मेन पॉइंट ऑफ दिस हेडिंग इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स इज दैट द राजपूत जो राजपूतों का शासन काल रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 750 सेंचुरी से लेके 1200 सेंचुरी तक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे बिलोंग टू द सोलर फैमिली एंड लूनर फैमिली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कन्नौज इज द सेंट्रल सेंटर फॉर ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो कन्नौज था वो, और कन्नौज पर उस समय किसका शासन था? तो हर्षवर्धन का। दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस हेडिंग। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स।